सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। कोरोना संक्रमण की गंभीरता को भूल चुकी लोगों को सबक सिखाने सड़क पर उतरे एसडीओ और एसडीपीओ। मास्क नहीं पहने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों को अब खैर नहीं। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के बढ़ते प्रकोप की रोकथाम को लेकर झारखंड सरकार के आदेश पर अनुमंडल पदाधिकारी आलोक कुमार एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रमोद कुमार केसरी ने बिना मास्क पहने व सोशल डिस्टेंसिंग को ढंग से पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध शिकंजा कस ली है। प्रशासन ने शनिवार की देर शाम अपने दल बल के साथ सड़क पर उतरे। इस दौरान शहर के भवनाथपुर मोड़ स्थित हनुमान चौक, हिन्हो मोड़ बस स्टैंड एवं सब्जी बाजार तक सभी दुकानदारों एवं थाना गेट के सामने वाहनों में सघन मास्क जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान कोरोना के प्रति सड़क पर बेपरवाह दिखे लोगों और दुकानदारों पर अधिकारियों ने जमकर क्लास ली। वहीं अधिकारियों ने लोगों से कोरोना संकट से बचने के लिए मास्क पहनने तथा सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने को लेकर सख्त हिदायत दी। लोगों को कोविड नियमों के अनुपालन और मास्क के उपयोग के प्रति सतर्क सजग और सावधान किया। उनके द्वारा सभी दुकानदारों प्रतिष्ठान संचालकों को निर्देशित किया गया कि सभी अपने अपने दुकानों प्रतिष्ठानों में साफ सफाई का समुचित ध्यान रखें। साथ ही दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई कि कोई भी दुकानदार बिना मास्क पहने सामग्रियों का क्रय विक्रय नहीं करेंगे एवं बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को सामान न देंगे। बिना मास्क के पकड़े जाने पर जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही एसडीओ ने नगर प्रबंधक को सब्जी बाजार को गोसाई बाग के मैदान में शिफ्ट करने का निर्देश दिया। इस संबंध में एसडीओ आलोक कुमार ने आम जनों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग साफ सफाई, मास्क, सैनिटाइजर एवं सामाजिक दूरी का अनिवार्य रूप से पालन करें। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन के अनुसार रात्रि 8 बजे के बाद सभी दुकान बंद रहेंगी। वहीं खुले पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील कर दी जाएगी। इस मौके पर थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार, नगर प्रबंधक रवि कुमार, वार्ड पार्षद नीरज कुमार समेत कई पुलिस बल के जवान मौजूद थे। श्री बंसीधर नगर से संवाददाता शुभम जासवाल की रिपोर्ट। सर, सड़क पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभी चूंकि कोरोना का प्रभाव देख रहे हैं बढ़ते जा रहा है, दिनों दिन संख्या भी बढ़ते जा रही है। गढ़वा जिला में भी कोरोना के पीड़ित केसेस ज़्यादा आने लगे हैं। वैसे स्थिति में हम लोग के द्वारा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और साथ ही मास्क चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि लोगों को जागरूक भी किया जा सके और जो ऐसे लोग हैं जो नहीं मार रहे हैं उनका चलान भी इस के तहत MV एक्ट के तहत या फिर अन्य प्रावधान जो आपदा प्रबंधन के तहत प्रावधान है उसके तहत चलान भी काटा जाएगा। सर, कितने परसेंट लोग जागरूक हैं अभी भी? अभी देख रहे हैं मोस्ट ऑफ लोग तो लगा ही रहे हैं मास्क। कुछ लोग हैं जो नहीं लगा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं लोगों को ताकि सभी लोग लगाएं। 8 बजे के बाद दुकान भी बहुत सारे खुल रहे हैं सर। 8 बजे तक ही दुकान खुलना है। 8 बजे के बाद दुकान मोस्ट ऑफ सभी बंद ही कर देते हैं। कुछ लोग, कुछ दुकानें हैं जो जिनको परमिशन है खोलने का, जैसे पेट्रोल पंप हो गया, पेट्रोल पंप के अलावे मेडिकल शॉप्स, रेस्टोरेंट, तो उनको 8 बजे के बाद खोलने का कुछ अनुमति दिया गया है। लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ दुकानें सभी बंद हो जाते हैं। यहाँ तक तो देखा जा रहा है कि प्राय नगर उटारी अनुमंडल में सभी दुकानें 8 बजे तक बंद हो जाती हैं। सर, पकड़े जाने के बाद? और अगर 8 बजे के बाद सड़क पे पुलिस मास्क अभियान चला रही है। हाँ, जैसा कि हम यहाँ पे अभी मास्क चेकिंग अभियान इसलिए चलाया जा रहा है कि थर्ड वेव एकदम आ चुकी है और जो कोविड गाइडलाइन है उसका हमें पालन करना है और उसमें सबसे प्रायोरिटी हमारा यही है कि सब लोग मास्क लगा के घर से बाहर निकलें, जब ज़्यादा ज़रूरत तभी बाहर निकलें। दूसरा है, हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी दुकान में जो भी व्यक्ति जा रहे हैं वो मास्क लगा के जाएं और अगर इसका अनुपालन दुकानदार नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर प्रावधान भी है, हम लोग दुकान भी सील करेंगे अगर जो लोग इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। तीसरा, हम लोग टेस्टिंग पे भी फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं जिससे जो लोग भी अफेक्टेड हैं, जिनको जो भी सिम्टम्स हैं हम लोग उनको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर वो लोग अफेक्टेड हैं तो जो भी प्रोटोकॉल होगा हम लोग फॉलो करेंगे। यस सर, प्रशासन लगातार जागरूक कर रही है लोगों को, कितना परसेंट लोग अभी भी जागरूक हुए हैं? परसेंट ऐसा कहना मुश्किल है, बट कहीं ना कहीं जैसा हम लोग मार्केट में भी निकल रहे हैं तो ये देखने को मिल रहा है कि लोग जागरूक हुए हैं, मास्क लगा के निकल रहे हैं और कोविड गाइडलाइन का पालन भी कर रहे हैं और नहीं पालन कर रहे हैं। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि उनको जागरूक करे और पालन कराए कोविड गाइडलाइन। तो शहर में बहुत ऐसा देखा जाता है कि 8 बजे के बाद भी दुकान खुल रहे हैं।
नहीं ऐसा अगर है तो हम लोग इसलिए खुद भी निकले हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कोई भी दुकान खुली नहीं होनी चाहिए, जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे।